बार तो मेरा एक रुपए का भी लॉटरी नहीं लगा, इस बार लगना चाहिए। एक चलने वाला है। अरे ले लो भैया, ले लो, लकी नंबर है, ले लो पैसे। थैंक यू। अरे भैया तुम ले लो, तुम ले लो, दो रुपया, दो रुपया, दो रुपया, दो रुपया, दो रुपया। अरे रुक 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 यार, एकदम सही जगह पर रुका है, क्यों करो भाई, झंड बजा दे, चल पीछे ले 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 ले, अरे ले, आजा 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 पीछे। अरे गाड़ी वाले से रुक लो, ये लास्ट का 5 टिकट ऐसे खरीद लो और 50 लाख कमा लो। आओ दोस्तों, आओ आओ, अपनी अपनी किस्मत आजमा लो। और हाँ, कल लकी ड्रॉ है, अपनी किस्मत आजमा लो, लेना है कि नहीं? अरे इरादा तो लेने का ही है। फिर तुम लेते क्यों नहीं? दिया हुआ, वो दिया हुआ, अभी चले लेते हैं। हाँ सब। एक, देखो बड़े प्यार से रही है। अरे अब तो हम जीते जीते। तो साड़ा नाम निकल आया तो तेरे नाल शादी कर लांगे। क्या बोला बीड़ू? ओ मेरा मतलब है तेरी शादी करवा देंगे। अच्छा, तो तू मेरा बाप लगता है क्या, जो तू मेरी शादी करवाएगा? जाने दे छोरी, इस आदमी का दिमाग कम काम करता है। ठीक है ठीक है। अबे ये छोरी स्वीट डिश नहीं, लाल मिर्ची की चटनी है, ये भरे बाजार में हम सबका बैंड बजा देगी। ये आखिरी टिकट है सब, आप खरीद लीजिए। मैं जुआ नहीं खेलता। आपके बच्चे जी सब, 2.5 रुपए का टिकट है, समझ लीजिए पंखा कर थूक दिया। ये लो 5 रुपए, बाकी रखो। अच्छा सलाम साहब। जिंदगी में आज पहली बार मैंने भी लॉटरी का टिकट खरीदा है, लेकिन मुझे पता कि करोड़ों में से किसी एक का निकलता है। वो खुशनसीब तू भी तो हो सकता है बैंड बजा के। बरोबर बोला। क्यों? चलो 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 चलो। अरे भिड़ू आला, रे आला, अपनी लॉटरी का रिजल्ट आला। अबे दत्तू, क्यों मेरा हार्ट अटैक करवा के मेरा बैंड बजा रहा है? अबे जल्दी से बता, डमी टिकट का नंबर बता ना यार। अरे मेरा टिकट कहाँ पे है? अरे बता बता, कहाँ गया टिकट? 3,40,58,725। यके मेरा है 721। अरे ना यार, चार नंबर से क्या ला यार, उनका है 722, सारा 3 नंबर से रह गया यार। मिला छाड़ी यार, मेरा है 723। इधर लो मणि जी, देखो 23, और मेरा है 724। अरे यार मैं तो 1 नंबर से बैंड बजा गया अपना। लेकिन हम सबके टिकट तो सीरियल ऑर्डर में है, इसका मतलब है कि 725 नंबर का 50 लाख का टिकट दीपक के पास है। पांडे जी, हाँ क्या खमला, ये दीपक अकेला खाएगा क्या? हाँ पांडे जी, दीपक को इनाम के पैसे का 5 शेयर करना ही पड़ेगा। ओ ये हुई ना गल, तो चलो चलते हैं दीपक के पास। चलो चलो। क्यों जी, क्या आपको 50 लाख का इनाम लगा है? हाँ, तुम खुद अपनी आंखों से देख लो। सचमुच आपको 50 लाख का इनाम लगा है? देखा, हमारा मुन्ना हमारे लिए कितना भाग्यशाली है। अब ये बताइए, इस 50 लाख का आप क्या करेंगे, कैसे खर्च करेंगे? मैं उस पैसे से उस अनाथ आश्रम की एक शानदार इमारत बनवाऊंगा जहां मेरी बीवी की परवरिश हुई थी। दीपक से आश्रम की इमारत बनाने के बजाय अगर हम 4 अनाथों को तुम इनाम का 1-1 हिस्सा दे दो तो हमारी दोस्ती और भी मजबूत हो जाएगी। लेकिन दोस्ती का मतलब ये नहीं कि जिस रकम पे सिर्फ मेरा हक हो उसके 5 हिस्से कर दिए जाएं। ओ दीपक शेठ, हिस्सा तो तुम्हें दिया ना पड़ेगा भी। याद करो दीपक शेठ, हम सब ने एक साथ ये एक ही दुकान से टिकट खरीदे थे। तो क्या हुआ, किसी ने किसी से कोई वादा नहीं किया था? ओ यार दोस्ता का कुछ तो ख्याल कर, ऐसा कर हम चारों के हिस्से की रकम हमको कर्ज के रूप में दे दे। हाँ दोस्त, और जब कारोबार जम जाएगा तो हम तुम्हारा कर्जा उतार देंगे। सिद्धि अगर ना उतार पाए तो तुम हमारा बैंड बजा देना। देखिए भाई साहब, मेरे पति नेक काम करने के लिए जा रहे हैं, आप बाधा क्यों डाल रहे हैं इसमें? ए दीपक, अपन औरत लोग का बात नहीं सुनता है क्या? तू बोल तेरा फैसला क्या है? मेरा फैसला वही है जो मेरी बीवी का है। चलो
क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोकी नंदू? लगता है गाड़ी खराब हो गई है, एक मिनट देखता हूं। दीपक सेठ, इंजन की खराबी तो सिर्फ एक बहाना था, दरअसल तेरी गाड़ी यहाँ रुकवा के तेरा बैंड बजाना था। और गाड़ी रुकवाने के वास्ते अपन ने माल खर्चा किया है क्या? और तेरे ड्राइवर नंदू की मुट्ठी गर्म की, समझा? अरे यार, अरे इधर से टिकट देता है कि नहीं तू? अगर मैं टिकट ना दूं तो? नहीं देखा तो फिर हमें तेरी बैंड बजानी पड़ेगी। लॉटरी जीता है ना? अरे किधर है टिकट? पचास लाख रुपया। लेकिन पांडे जी इसका क्या करेगा? इसको यही गाड़ देते हैं, बैंड बजा के। पचास लाख की लॉटरी के नाम बैंड बजा के, बैंड बजा के। साला बहुत बड़ा इडियट था दीपक। अगर पहले ही 50 लाख के 5 शेयर था तो आज पार्टी में भी शेयर करता। आप बरोबर बोला पांडे जी। साला दीपक आपुन साथ आड़ीबाजी नहीं करता ना तो आपुन उसका जान काय को लिया था। चेयर्स। निर्दयी हत्यारों, 50 लाख पाने के लिए तुम लोगों ने मेरे पति की जान ले ली। ओ गुस्सा छड़ पाबी, साडे नाल बह कुछ जाम जाम पी। मैं तुम लोगों का खून पी जाऊंगी। मेरा सुबह गुजार कर तुम लोगों ने मुझे विधवा बना दिया। और तू क्यों अपने आप को विधवा समझ रहे लिए भाभी? रामजादू, मेरी बेबसी का फायदा उठा रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम लोगों को फांसी पे चढ़ाए बिना मैं चैन से नहीं बैठूंगी। मैं अभी जाके पुलिस में रिपोर्ट करती हूँ। खबरदार लक्ष्मी, पुलिस के पास जाने की गलती मत करना, वरना तेरे बच्चे को जिसे तू मंदिर के पुजारी के पास छोड़कर आई है ना, वहीं पहुँचा देंगे। यहाँ तेरे पति को पहुँचाया है। ले पी। नहीं ना, ए पीना, ए नहीं पीती। चेयर्स। हेलो, अबे हंसता क्यों है, बकता क्यों नहीं, कौन है तू? लॉटरी का टिकट। हाँ, लॉटरी का टिकट। मर्डर, लाश, गड्ढा खोदना। समझ गया, समझ गया, तुझे पैसे की जरूरत है। अच्छा बोल, बता कितना टैक्स लगेगा? अबे चुप, टैक्स ही नहीं चाहिए,
पैसा चाहिए 35,000। 35,000? अब इतना ज्यादा बैंड मत बजा, थोड़ा कम करके बोल। तुम लोगों को 35,00,000 मिल रहा है, मैं तो उसमें से सिर्फ 1% मांग रहा हूँ। वरना आजकल तो किसी भी धंधे में 2% की दलाली चलती है। अबे ये तेरी दलाली चल रही है कि ब्लैकमेल चल रहा है? तू तो हमारी खाल खींच रहा है। अच्छा चल ये बता कि अभी ये पैसे लाकर किस जगह पर दूं तुझे? वही पुरानी कब्र के पास सुनाया था। वहाँ एक पागल बैठा होगा, पैसों का बैग उसी के सामने डाल देना। अब ऐसे तो सब कुछ मालूम है। क्या बोलते पांडे, ये ब्लैकमेलर को पैसा देना पड़ेगा क्या? अरे एक बार देता तो बार बार मांगेगा वो पैसे। हाँ भिड़ू, ऊपर से आप उनके सर पे फांसी का फंदा भी लटकता रहेगा। इसीलिए हम लोगों के हक में बेहतर यही होगा कि इस ब्लैकमेलर की कब्र भी वहीं बना दें जहाँ दीपक की बनाई थी। ये हुई ना बात। कोई दिखाई नहीं दे रहे ले। बाप बजा दे, 7 पुश्तों से हराम जा दे। ये बैग यहाँ क्या रखा है? ये बैग यहाँ क्या रखा है? हम जानता है, हमको मारने के वास्ते इसमें बम रखा है। बम बम भोले। हम हुक्म देते हैं इस बैग को फौरन यहाँ से हटाया जाए। हटा लेते हैं, पागल लगता है। जी वही पागल लगता है सचमुच। अच्छा एक काम करते हैं, हम लोग झाड़ियों में छुप जाते हैं। हाँ। जैसे ही ब्लैक मिरर दिखेगा ना, हम लोग उसे गोलियों से भून देंगे। क्यों? हाँ, सही है। चलो चलो, चलो।, चलो। नहीं उठाते, इसे मैं ही उठा ले जाता हूँ। उस्ताद, ये पागल तो अपने नोटों का बैग लेके भाग रहा है। अबे गधे, उस बैग में सिर्फ रद्दी के टुकड़े हैं, असली नोटों का बैग तो गाड़ी में रखा है बैंड बजा के। पागल मैं नहीं, पागल तुम लोग हो, और मैं ही वो ब्लैक मेलर हूँ। गोल माल करने वालों, मैं तुम्हारा माल गोल करके जा रहा हूँ। अरे पांडे जी, ये तो अपनी गाड़ी लेकर भाग रहा है और असली नोटों का बैग भी उसी में है। हाँ? अरे ये तो अपना ही बैंड बजा के भाग गया। अब रुक, मारे गए। पकड़ नहीं जाए, पकड़ दिया, पकड़ दिया। जय हिंद। हे भगवान, मेरी मांग सुनी कर दी तुमने, अब मेरी गोद सुनी मत करना, मेरे बेटे की रक्षा करना। हे प्रभु, मेरे बेटे की रक्षा करना। तेरी तपस्या का फल आज मिल चुका है। उधमपुर थाने में मेरी आज पोस्टिंग हो गई है। ये सब तेरे आशीर्वाद से हुआ है माँ। तुम चुप जी मेरे लाल, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। जिंदगी में ऐसे ही तरक्की करते रहना। आज अगर तुम्हारे पिताजी जिंदा होते, जिंदा होते तो कितने खुश होते। माँ ये तू क्या कह रही है? मैंने सुना पिताजी लापता हो गए थे और घर लौट के कभी वापस ही नहीं आया। न जाने क्यों माँ, मुझे लगता है पिताजी को मार दिया गया। माँ मुझे आशीर्वाद दो कि मैं पिताजी के हत्यारों को ढूंढ सकूं और बदला ले सकूं। हाँ बेटे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। चलो चलो, चल के हाथ मुंह धो लो। आइए आइए सेठ लोगों, आपके होटल के लिए पूरे एरिया के अंदर में ऐसा प्लॉट नहीं मिलेगा। देखिए क्या प्लॉट है। लोकेशन तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है बाप।
साइड तो बड़ी चंगी है भाई। अगर आप उधर होटल बनाएगा ना तो आप उनका धंधा ही एकदम टॉप हो जाएगा, क्यों पांडे जी? राय तो मेरी भी वही है बंधुओं जो तुम्हारी सबकी है, लेकिन इस प्लॉट की ज्यादा तारीफ मत करो, नहीं तो वो स्टेट एजेंट सुन लेगा ना तो भाव बढ़ा के हम सबका बैंड बजा देगा। तुम तो एकदम अक्कलमंद हो। तेरे दी लग गए ना वांडे। ये तो वही जगह लग रही, तो वही जगह लग रही है। अरे वही कमर, बैंड बज गया। अरे ये तो वही जगह है, कमर भी मोड़ी है, थोड़ा पुराना हो चुका है। कमर को देख के मेरा दिल जंप करने लग गया। पांडे जी, इस कमर से दीपक का भूत तो बाहर नहीं निकलेगा। अभी कैसा मरा था, मुझसे डरता है? अगर कहीं गलती से भूत निकल भी गया तो घबरा मत, हम सब मिलकर उसका बैंड बजा देंगे। पांडे जी, अपन तो बोलता है होटल बनाने के लिए दूसरा जगह ढूंढ लो, इधर से वट लो, अपन बोलता है। समझ गया, समझ गया, वो भूत के डर से तेरी भी फट रही है। कैसे जगह पसंद आई कि नहीं? बहुत पसंद आई, बहुत पसंद आई, बहुत पसंद आई। तुम्हें काम करो, धनी से मिलकर इस जगह का सौदा करो और जल्दी से यहाँ पर बनाना शुरू करो। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं होटल बनाना शुरू करो। चलो चलो चलो। लाश ही लाश देखी थी मैंने, कितनी बार तुम्हें मना किया है, दारू पीना छोड़ो। हेलो अबुन कनु भाई, काच वाला स्पीकिंग। माय डियर, हम आपके हैं कौन? ओ भाई, ये क्या पिक्चर का नाम ले रहा है? अरे बाप, ये प्राइवेट रेजिडेंस है क्या? तो हमारी बात भी प्राइवेट है भाया। प्राइवेट बात होने रे। डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग डिंग डांग, पुरानी कब्र के पास बैठे हुए पागल पहला राम को भूल गया। फ्लैशबैक में जाओ जाओ जाओ। पहला राम? अरे तेरे को कैसा भूल सकता है बाप? अरे बरोबर याद है मेरे को, तू वही जाना चील के घोंसले में हाथ डाल के कोश का टुकड़ा उड़े लेके गया था। याद है मेरे को, याद है बाप, बरोबर याद है। लेकिन ये बता कि तू 20 बरस तक था किधर? तुम लोगों के दिए हुए पैसे से वर्ल्ड टूर के मजे उड़ा रहा था। टैक्स की रकम खलास हो गई इसलिए वापस इंडिया आ गया। आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया। चलो अब खेले थोड़ा डांडिया। अब मैंने तुम लोगों को परमानेंट अपना गॉडफादर बनाने का फैसला कर लिया है। आप बनेंगे मेरे गॉडफादर? बनेगा ना बेटा, जरूर बनेगा। इस बार कितना माल दोगे बापू? जितना तू बोलेगा ना उतना देगा छोकरे। 50 लाख चलेगा क्या? 50 लाख? जियो बापू, जियो जियो। लगता है तुम लोगों को फिर कोई नई लॉटरी लग गई है। और कोई बात नहीं, आज रात 10 बजे फिर उसी पुरानी कब्र के पास नोटों का बैग लेकर आ जाना। नहीं, ये बार पुरानी कब्र नहीं छोकरे, ये बार तो तू नीली पहाड़ी पे आ जाना। Oh!
मुझे कुछ कहना है इंस्पेक्टर साहब। वाओ सुपर, आई ना भाई, बड़ा शानदार होटल बनाया। अरे पूरा पैसा वसूल है बाप। क्या सोनिया जी, देखा क्या तुम्हारा शानदार होटल? मेरा कहाँ, पार्टनर तो पांडे जी आपके हैं। वो पार्टनर तो हमारे हैं, मगर पांडे जी पूरे के पूरे तो तुम्हारे ही है ना। वेलकम सर। थैंक यू। ये सोनिया मैडम, पांडे जी खास दोस्त है। हेलो, हाय। और ये छोरी है ना, ये ललिता है। ललिता अपने होटल का मैनेजर है क्या? बहुत कोऑपरेटिव छोकरी है बाप। अच्छा ललिता, अपना रूम बुकिंग का पोजीशन क्या है? A1 बिजनेस है सर, होटल के सारे रूम बुक हैं। ऐसा? AC, नॉन AC, स्वीट्स सभी बुक हैं। ओ ये ता बड़ी चंगी गल है, ऐसे खुशी कोई चाशा हो जाए, ठंडा शंडा हो जाए भाई। श्योर सर, आप लोग होटल के अंदर तशरीफ तो ले जाइए। ओ नहीं भाई ललिता, नहीं अभी नहीं, हम तो न्यू ईयर नाइट पे ही इस होटल में एंट्री शेंट्री मारेंगे। अरे क्या आइडिया दिया है बाप, वंडरफुल आइडिया। अरे न्यू ईयर नाइट को जब अपन होटल का पूरा उद्घाटन करेगा क्या, अरे वो रात को ऐसी शानदार पार्टी देगा पूरा दुनिया देखता रह जाएगा क्या। अरे तेरे को तो रानी बनेगा रे। ओ चलो यार, वो बाद में मिलती है ना यार। बाय बाय। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे होटल स्वीट ड्रीम के इनॉग्रेशन की खुशी में मशहूर फिल्म स्टार मधु और ललिता, जो एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में हमारे ही होटल में ठहरी हैं, आप लोगों के सामने एक सरप्राइज आइटम पेश करने जा रही हैं। चीयर्स। चुम्मा दे दे ना।
अरे देवा, लगता है दीपक का भूत पुरानी कब्र से बाहर निकलकर नंदू को खलास कर दिया होगा। सुधर जा मराठे, सुधर जा। ये भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं होती है दुनिया में। यस प्लीज। आई एम इंस्पेक्टर विशाल फ्रॉम लोकल पुलिस स्टेशन। What can I do for you? किसी ने पुलिस स्टेशन फोन किया था कि यहाँ एक मर्डर हुआ है। आप यहीं ठहरिए, मैं अभी बॉस को बुला के लाती हूँ। अरे इंस्पेक्टर साहब, क्या बात कर रहे हैं? मर्डर और अपुन का होटल में? नहीं नहीं, इम्पॉसिबल। वो तो अपने ड्राइवर को एक पागल कुत्ते ने काट खाया होगा, इसके लिए उसका मौत हो गया। क्या सब क्या लेगा ठंडा गरम? सर हम इतना कुछ ले लेंगे कि आप देते देते थक जाएंगे। मौत के पीछे राज है क्या, हम ये पता चला लेंगे। कत्ल से बचना मुश्किल है, कातिल को बतला देंगे। ये तो वही पहला राम लग रहा है। कैसे हो सकता है, अबे उसे तो मार डाला था हमने। तुम्हारा नाम क्या है? ये मेरा गुमछल्ला सब इंस्पेक्टर दूजा राम, आधा शायर है और आधा पुलिस वाला। समझे चलने वाला? प्लीज टू मीट यू। मैडम क्या आप मुझे लाश के पास ले जाएंगे? हाँ आइए। चलो तो जा रहा हूँ। साहब वो देखो लाश पड़ा है साहब। साहब दूजाराम। यस सर। लाश के जख्मों से पता नहीं चल पा रहा है कि ये कत्ल कैसे हुआ। फोन किसने किया था? जी फिल्म स्टार मधु मालिनी ने, वो यहाँ पर फिल्म की शूटिंग के लिए आई हैं। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? इंस्पेक्टर साहब मधु ने आपको स्विमिंग पूल पर बुलाया है। ठीक है। ये पुलिस इंस्पेक्टर पहला रामी था ना, वो ही लग रहा है। तब तो साला वो आप उन सबको फांसी के फंदे पे लटका देगा। ए टोपी, उसका चांस ही नहीं मिलेगा। वो दीपक का भूत है ना भूत, अपन सबका ऑपरेशन सफाया चालू कर डाले ला है। दीपक का भूत, दीपक का भूत, एक हनू पका मत साला, मरद होकर भूत प्रेत से डरता है। माँ कसम कन्नू भाई, मैं तो लड़की होकर भी भूत प्रेत से बिल्कुल नहीं डरती। अरे भूत प्रेत नहीं होते, इन्हें तुम जैसे डरपोक और कमजोर दिल वालों ने पैदा किया है।
सकती हूँ इसमें? मैं इंस्पेक्टर विशाल। हेलो, मुझे मधु कहते हैं। मैंने ही पुलिस को खबर की थी। हेलो, आप इस मर्डर के बारे में क्या जानती हैं? ये कत्ल मेरी आंखों के सामने एक भूत ने किया है। क्या भूत प्रेत में विश्वास रखती हैं? जी नहीं, लेकिन उस भूत को देखने के बाद मेरी तो आपकी थिंकिंग बदल गई। जी। नहीं बदलनी चाहिए थी। हेलो मधु। हाय, इनसे मिलो, इंस्पेक्टर विशाल, और ये हमारे फिल्म के हीरो रवि। हेलो, ग्लैड टू मीट यू। मी टू। हरी अप मधु, शूटिंग यूनिट हमारा इंतजार कर रही है। ओके, एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, आई सी यू लेटर। ओके। मैं इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहा हूं। मेरे वापस आने तक इस होटल के तमाम लोगों पर तुम नजर रखोगे। अब मगर सर, मर्डर तो भूत ने किया है, फिर इस निगरानी की क्या जरूरत है? क्या आपको किसी और पे शक है? हां दुजाराम, इस मर्डर के पीछे कोई खास आदमी हो सकता है। राइट सर, आपने जो कहा वो करूंगा काम। आपका गुलाम है ये दुजाराम। ओह सॉरी सर। मिस्टर दुजाराम। यस। होटल के मालिकों ने आपको चेंबर में बुलाया है। अच्छा। ये बुलावा तो आना ही था। मुझे जाना ही था। मिस्टर पहला राम। अगर आपने हमें ये पहले बता दिया होता कि आप पुलिस ऑफिसर हैं, तो हम आपसे ये पंगा कभी नहीं लेते। मिस्टर पांडे, सड़े हुए अंडे, पहला राम था मेरा प्यारा जुड़वा भाई। हाँ। इस कैसेट में मौत से पहले उसने सारी बात बताई। अब तुम दोगे दुजाराम को माल की किस्तें, उन पैसों से मैं खाऊंगा दूध मलाई। चिरकुट शहर का छठा औलाद, अपन का खून चूस चूस के तू दूध मलाई खा रहा है। पैसा अगर न दोगे तो तुम्हारा बैंड बजा दूंगा। दीपक के मर्डर की कहानी सारी दुनिया को सुना दूंगा। अरे रुको रुको रुको, नाराज नहीं हो। ये ले। मेरा नाम कन्नू प्रकाश है, कन्नू प्रकाश। ऐसा नहीं रखा पूरी इंडस्ट्री ने, सब जानते हैं अच्छी तरह मेरे स्टेप्स के पागल हैं सब। देखो जो भी स्टेप्स मैं तुम लोगों को समझाऊं अच्छी तरह से समझ लो। मास्टर जी। हाँ। शिफ्ट मत खाइए। हाँ? बहुत छोटी फिल्म है ये। बेबी, छोटी फिल्म है क्या, इंटरवल तक बनेगी? अरे ठीक है हाँ, सुन अभी। हाँ जाओ, तैयार हो जाओ, हमें गाना पिक्चराइज करना। चलो चलो। छोटी फिल्म है, कन्नू प्रकाश हूँ। हाँ। हाँ। कर गई ऐसी जन
कमर जैसे कोमल कली नेमत खुदा की मुझको मिली वो मिली जब मुझे जन्नत की खुशियाँ मिली कुछ तो कहो वादी हो देखा कहीं मेरा सनम लब जो खिले तो फूल खिले जैसे प्यासे दो दिल मिले जुल्फे उड़े तो गिरे चांदनी बातों में उसकी है रागिनी रागिनी कुछ तो कहो वादी हो देखा कहीं मेरा सनम कुछ तो कहो वादी हो देखा कहीं मेरा सनम छोड़िए क्या आप भी मास्टर जी कुछ तो कहो आदियो देखा कहीं मेरा सनम कुछ तो कहो आदियो इंस्पेक्टर साहब क्या आपके मर्डर की इंक्वायरी अब तक पूरी नहीं हुई नहीं रवि ये खुद नहीं आए हैं इन्हें मैंने बुलाया फोन करके दरअसल सुबह जल्दी में कुछ बातें बताना भूल रही थी इसलिए ठीक है मैं डिनर के बाद तुम्हारा होटल के गार्डन में इंतजार करूंगा कन्नू जी कल के सीन्स के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहते हैं ओके आपको हमारी फिल्म का गाना कैसे पता चला मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं सच सच चुनिया जी चाहता है तुझको पटा लूं अच्छा थोड़ा सा अपने नजदीक सटा लूं तो सटा लो ना सोनिया मेरे प्यार के फूल तुम्हारी खोपड़ी में सजा लो मेरे थोबड़े को तुम्हारी दिल की झोपड़ी में बसा लो ओहो सोनिया ये लो तुम्हारे लिए पत्ती सोनिया मैं तेरा महीवाला देखने लग गया बाप वो दो टके के ब्लैकमेलर की ये मजा अगर अपना पार्टनर पांडे जी इधर होता तो क्या करता वो करता क्या इस दूजे राम के काट काट के तीन चार राम और बना देता तो बस ये नेक काम अपन ही कर डाले तो आओ आज रात को ही आओ ए बाप अभी हंसते जाएगा कि कुछ बोलेगा मुंह से तो ए तू अरे बता है मेरे इन चमचों को कि मैं हंस क्यों रहा हूं वो सोनिया मैम साहब को खुद पांडे जी ने उस पुलिस ऑफिसर के पीछे लगाया है समझा के बिड़ू जिससे वो कैसेट हमें मिल जाए जिसकी मदद से दूजा राम हम सबका बैंड बजा रहा है अब हम उसका बैंड बजाएंगे संभालिए अपनी कसर देखा 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 सोनिया डार्लिंग यू आर रियली ग्रेट माँ कसम यस ये छोरी बहुत फुदक मत हां दूजा राम ने कैसेट की कॉपी निकाली होंगी तो कोई कॉपी वॉपी नहीं है मैंने अच्छी तरह पता लगा लिया है माँ कसम
तो क्या ख्याल है पांडे जी, बोटियां छोटियां कर दें उसकी? बोटियां छोटियां नहीं, सीमा सीमा करो। कैसे? फोटो किसने खींची? ओ पांडे जी, फोटो नहीं, लगता है बिजली चमक रही ली। कमाल। ऑफ कोर्स, मां कसम। ओ यार कमाल दी गल है, उधमपुर में बादल तो गरजते नहीं, सिर्फ बिजली चमकती है। अबे काय को फुटेज खा रहा है, चल इस लाश को ठिकाने लगाने की सोच। चल चल गनु, चलो बाबू, चल तू। चल भाई ठिकाने लग जा अभी तू। पांडे जी बोल। अरे पांडे जी, पांडे जी मार है। अब समझे तुम लोग के उस दिन दूजे राम के कमरे में बिजली क्यों चमक रही थी। अपन को लगता है कि कोई फ्लैश कैमरे से जरूर अपन का फोटो निकाल रहा था, लेकिन ये फोटो इधर काय को भेजा है? माँ कसम कन्नू भाई, अकल से बिल्कुल पैदल हो, ये तस्वीरें ब्लैकमेल करने के लिए भेजी गई है। यार ये ब्लैकमेलर जरूर कोई नमा बंदा लगता है। बंदा हाजिर है। ओ यार, दूजा राम। मैं दूजा राम नहीं, पहला राम भी नहीं, उन दोनों का जुड़वा हमशकल भाई तीजा राम हो समझे। तो तीजा राम? जी हाँ, कल रात मैं जब अपने भाई दूजा राम से मिलने होटल पहुंचा, तब कमीनों हरामजादों मैंने देखा कि तुम मेरे भाई का खून कर रहे थे। बस मैंने तस्वीरें खींच डाली। फोटोग्राफ पसंद आए? पहला राम, फिर दूजा राम, फिर तीजा राम, मैं अपने माँ बाप का आखिरी राम हूँ। राम राम। ए राम बाप, जो भी तेरा नंबर है, तू क्या अपन को ये फोटो दिखा के ब्लैकमेल करने की सोच रहे क्या? क्या पहचाने ला रे रावण बाप। ए माँ कसम, खून पी डालूंगी तेरा मैं। ना ना, ये आपस की बात है डार्लिंग। एक बात याद रख, ये जो फोटोग्राफ है ना, कोरट के अंदर नकली भी साबित किए जा सकते हैं बैंड बजा के। किस किस चीज को तुम नकली साबित करोगे? मेरे पास दूजा राम की वो डायरी भी है जिसमें उसने दीपक मल्होत्रा के मर्डर का पूरा स्क्रीन प्ले लिख रखा है। क्यों पांडे, अब क्यों पड़ गए ठंडे? बच गया ना बैंड। उस डायरी में दूजा राम ने यह भी लिखा है कि पहला राम को तुम्ही लोगों ने मार डाला था और अब दूजा राम को भी जिंदा नहीं छोड़ोगे। अबे साले, तू भी ना कुत्ते की मौत मरने के लिए तैयार हो जा भी। ना ना, आपस की बात है, अगर तुम लोग मुझे मार दोगे तो तुम चारों लोग फांसी पे चढ़ जाओगे। शाने, अपन तेरे को इस साला इधर ही खलास कर डालेगा क्या? फिर अपन को फांसी पे कौन चढ़ाएगा, तेरा बाप? अभी एक बात समझाता हूँ, फिर तुम्हें तुम्हारा बाप याद आ जाएगा। हाँ, क्या है कि मैंने इस फोटो के नेगेटिव्स, दूजा राम की डायरी और एक लेटर जो पुलिस कमिश्नर के नाम है, बैंक में रख दिया है और मेरे वकील को समझा दिया है कि अगर कभी मेरी मौत हो जाए तो ये सारी चीजें पुलिस कमिश्नर के हवाले कर देना। देखो भाई लोग, आपस की बात है, आज सुबह से मेरी हथेली बहुत खुजला रही है। ये ले, ये नोटों की गड्डी
तेरी हर तरह की खुजली मिटा देगी। धन्य हो पांडे जी, आप धन्य हो। अब मैं अपनी सारी जिंदगी आप लोगों की छत्र छाया में ही गुजारूंगा। हैं? आधी रात का समय, डाक बंगले के पीछे एक पुरानी सी कबर है, ओल्ड कबर। बेबी, उस कबर के अंदर एक जिंदा लाश सोई हुई है। अचानक को लाश उठती है। लाश उठ चुकी मास्टर जी। हाँ, लाश उठ चुकी है और लाश एक भूत की लाश है। भूत भी निकल चुका मास्टर जी, आगे। हाँ, भूत भी निकल चुका, निकल चुका। मास्टर जी, कहानी आगे बढ़िए, हम लोग सुन रहे हैं। हाँ बेबी, और भूत धीरे धीरे डाक बंगले की तरफ बढ़ता है। बिने वालों का बिने गाम ये लाइट किसने बुझा दी भाई? ये लाइट किसने बुझा दी? कमाल करते हैं यार। चांद से मुखड़ा से? अरे क्या हो गया? जल गया तू क्षमा में परवाना, मोमबत्ती जल जाना। कौन है? जड़ गई लगते। Yeah!
तू पांडे जी वो देखो अरे दत्तू अरे तेरा भी बैंड बज गया पांडे जी एक एक करके अपन सबका बैंड बजने वाला है ये नंदू और दत्तू को दीपक के भूत ने खलास किया है बंद कर तेरी बकवास ओ कन्नू पाई ठीक कह रहे हैं पांडे जी के? दीपक का भूत ही हमसे बदले ले रहा है अरे पांडे जी देखो इसका कटेला गर्दन देखने से साफ मालूम पड़ रहा है ये खून किसी आदमी ने नहीं भूत से किया है और उसका खून भी पी लिया है भूत 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 पका मत कन्नू ये भूत तेरे मगज में घुस गया है अबे भूत सिर्फ किस्से कहानियों और फिल्मों में होता है समझ गया ओ ललिता डार्लिंग अगले साल जो हमारा 5-स्टार होटल खुल रहा है ना उसकी मैनेजर की पोस्ट भी तुम्ही को मिलने वाली है ओह यू आर रियली ग्रेट बॉस ओ यार बॉस बॉस को मार गोली मैं एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ सज धज के मेरा इंतजार करना ओ जग्गी डार्लिंग मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी बीस 21 22 23 24 बहुत अजीब सी बात है पांडे जी यहां कितने मर्डर पे मर्डर होते जा रहे हैं पहले आपके दोस्त दत्तू का खून हुआ और अब जग्गी का खून हो गया ऐसा क्यों हो रहा कुछ समझ में नहीं आ रहा कहानी खत्म अब हम गिरफ्तार करें तो किसे करें दो जाराम तुम तो लेफ्टी हो फिर राइट हैंड कैसे इस्तेमाल कर लिया सॉरी सर ये बात मेरी समझ में नहीं आई दूजाराम वो क्या है सर कभी कभी लेफ्टी को भी राइटी बन जाना पड़ता है ना ये अच्छा ठीक है ये लाश उठाओ और एम्बुलेंस में डलवाओ चलो ए उठाओ इसे जल्दी करो उठाओ उठाओ चलो ले जाओ जल्दी उठाओ चलाओ 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 जल्दी सॉरी सर शट अप चलो तो कहिए इंस्पेक्टर साहब वो कौन सी बात है जिसके लिए आपने मुझे याद किया डायलॉग में कहूं या गा के सुनाऊं चश्मे बद्दूर आप गा भी सकते हैं तो गा के सुनाइए
ओके मधु, गुड नाइट, सी यू, आई लव यू मधु। हाय रवि। अगली बार मेरे रास्ते में नहीं आना, समझा? डर गया ना कन्नू? अबे मैं हूं पांडे, नहीं तेरा जिगरी दोस्त पांडे। नहीं तू पांडे नहीं है, तू पांडे नहीं है, तू साला दीपक का भूत है और पांडे का भेष बदल के अपन को खलास करने को आया है। अबे चुप, वरना ये लाफा दूंगा। अबे मैं तो यहाँ तेरी खैरियत पूछने आया हूँ, हट। हाथ नहीं लगाना, हाथ लगा है तो भून डालेगा साला तेरे को। ये कन्नू पागल हो गया क्या तू? हाँ मैं पागल हो गया, पागल हो गया, लेकिन साला भूत का बच्चा तेरे को हाथ खराब कर डालेगा। होश में कन्नू के बच्चे? अबे मैं पांडे हूँ, पांडे तेरा दोस्त। अगर मैं भूत होता ना तो कब के तेरा बैंड बजा चुका होता। पांडे? हाँ पांडे साला सचमुच तू है यार। और क्या, आप उनको माफ कर दो यार, भूत का दहशत अपने दिल में बैठ गया था यार, अपन को माफ कर दो। तेरे को भूत से डर नहीं लगता क्या? अबे कन्नू इस सदी का सबसे बड़ा भूत खुद पांडे है, समझा? चल जा सो जा, चल। गुड नाइट। क्या मास्टर जी, आप भी डरते हैं, आइए ना। वेरी डेंजर जगह, जगह वेरी डेंजर। अच्छा मास्टर जी, आप जो उस दिन कहानी की बात कर रहे थे, कौन सी कहानी थी? हाँ बेबी, वो स्टोरी ना बहुत अच्छी स्टोरी है, उसमें तुम्हारा करेक्टर ना वेरी हाईलाइट करेक्टर। हाँ वेरी हाईलाइट करेक्टर। बेबी हमने सुना है ये वही कब्र है जिसके अंदर से रात को भूत बाहर निकलता है और वन बाय वन हाय मर्डर करता है। क्या मास्टर जी, आप भी ये भूत प्रेत से डरते हैं? हाय हनी, भूत प्रेत से डर किसको नहीं लगता बेबी? मुझे नहीं लगता, अगर आप कहें तो मैं इस कब्र पर डांस करके दिखा सकती हूँ। हनी ऐसा नहीं कर रहा, हनी भूत बाहर निकलने का शूटिंग पैकअप बनाएगी। देखा मास्टर जी, यहाँ कुछ भी नहीं, आप खामखा में डरते हैं। देखिए मास्टर जी, मैं वहां जाकर डांस करके भी आ गई, हुआ मुझे कुछ? नहीं कुछ भी नहीं हुआ। मास्टर जी वो कौन सा अंतरा था? दिग दिग धा 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 दिग दिग मास्टर जी क्या हुआ आपको? मुझे मास्टर जी क्या हुआ? मास्टर जी मास्टर
असलम भाई अपन क्या बोल रहे है, वो दो पेटी जो पहुंचाने का है ना वो अपन का घर पे पहुंचा दे। भागले। अरे भूत, ए भूत पांडे साहब, भूत भूत भूत। कन्नू अबे ये तेरी बिना खटखटाए कहीं भी घुस जाने की आदत कब जाएगी? ए बाप, वो दीपक का भूत है ना, वो दरवाजा ठोक के नहीं आएगा अंदर। दीपक का भूत? हाँ मैं देखेला है, अपनी खुद की आंखों से देखेला है मैंने। दीपक का भूत? दीपक का भूत? वे कन्नू पका मत, पका मत, पका मत। मैं पका नहीं रहला हूँ मेरे बाप, मैं अपनी आंखों से लाश देखी है। वो फिल्म की शूटिंग की हीरोइन हनी है ना, उसकी लाश देखी है। वो भूत अपने हर दुश्मन को बेरहमी से मार देगा जैसे उसने हीरोइन हनी को मार दिया। और उसका नजर अपन पर है बाप, वो अपने पीछे लग गया है। कैसे ही उससे पीछा छुड़ाकर अपने को इधर से भाग जाना चाहिए बाप। खाली तेरे को बोलने को, लेकिन बस अभी मैं इधर नहीं रहेगा। मेरे को बहुत डर लगता है, मैं जाता है पांडे। अरे नहीं कन्नू, मैं जाता है पांडे। अरे रुको कन्नू। पांडे डार्लिंग, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे भी कन्नू भाई के साथ जाने दो। तुम दोनों यहाँ से चले जाओगे तो भूत के साथ में क्या मैं यहाँ अकेले अपनी बैंड बजवाऊंगा? अरे रुक, अरे रुक, अरे अरे यहाँ हमारी जान पर बनी है और इसे अपने बालों और कपड़ों की पड़ी है। चल जल्दी अकडू, जल्दी आ, जल्दी आ। अरे ये भूत कहाँ से हमारे पीछे पड़ गया? कडू जल्दी आ जा। अरे पीछे मत देख। अरे आहिस्ता जा। अबे एक अनु ओवरटेक करके मत जा मुझे। अरे सुन, जा मुझे। अरे सुन, अरे 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 ललिता तुम? यस सर। राम कसम तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। लेकिन सर आप लोग इतने डरे हुए क्यों हैं? और आप जा कहाँ रहे हैं? अपन इस भूतिया होटल में एक सेकंड भी नहीं रुकेगा। गुड बाय ललिता, अपन जा रहे हैं। एक मिनट सर, आप लोग भूत से डर के भाग रहे हैं? नहीं तो क्या हमारी मति मारी गई है सर, जो यहाँ ठहर कर हम भूत से अपना बैंड बजवाए? सर बैंड तो भूत का बज जाएगा। जल्दी अगर आप मेरी बात। अरे कौन सा बात ललिता, तुम जल्दी बताओ ना। यही रामनगर के जंगल में एक पहुंचे हुए तांत्रिक धुरंधर महाराज रहते हैं। सुना है उन्होंने बहुत बड़े बड़े खतरनाक भूतों को तड़ी पार कर दिया है। रियली? धुरंधर के पास? अरे तो फिर जल्दी से हम सबको उस महान तांत्रिक धुरंधर के पास ले चलो ना। ये है उनका पता। कोई है? धुरंधर, 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 ये पांडे। आइए आइए सज्जनों, आपको धुरंधर महाराज कुछ समय के लिए विश्राम कर रहे हैं, थोड़ी ही देर में आपको दर्शन देंगे। आप कौन है श्रीमान? भूतनाथ। भूतनाथ? मैं असली भूत हूँ। क्या कर? आप असली भूत हैं? जी हाँ, पर क्या करूं, जब से धुरंधर महाराज ने मुझे बंदी बना लिया है वो मुझे मनुष्य का रक्त पीने ही नहीं देते। अच्छा,
हाय कितना स्वादिष्ट होता है मनुष्य का रक्त और गोरी चमड़ी वाली कन्याओं का रक्त हाय कितना कमाल का होता है जी पटाके भंपक के भों काली कलकत्ते वाले तेरा वचन न जाए खाली बना दे सामरी के चेले को शक्तिशाली महातांत्रिक धुरंधर महाराज की जय हो जय हो महाराज अति सुंदर कुंवारी महाराज अति सुंदर कुंवारी महाराज ये कुंवारी नहीं है ये मेरी होने वाली धर्मपत्नी है अनर्थ दीपक गौर अनर्थ तुम्हें दुष्ट पापी ना कहूं तो क्या कहूं दी मंदबुद्धि तुमने लॉटरी के टिकट के लिए अपने मित्र दीपक की हत्या कर डाली और अब उसी के भूत से भागते फिर रहे हो मंदबुद्धि महाराज महाराज आपसे तो कुछ भी नहीं छुपा है क्षमा कीजिए महाराज क्षमा कीजिए और कैसे भी करके उस भूत से हमारी रक्षा कीजिए वो तो करनी ही पड़ेगी हमारे गुरुदेव सामरी का आदेश है अच्छा कि उन तमाम चोर डाकू लुटेरे बलात्कारी और हत्यारों को कठिनाइयों के भंवर से निकालूं परंतु हम सिर्फ उन भूतों को मार सकते हैं जो अत्याचारी है किंतु उन भूतों का विनाश नहीं कर सकते जो अच्छे लक्ष्य की पूर्ति में लगे हुए हैं ये भूत सोम रस जब छाती कुछ तो भी कर डालो महाराज ये भूत हमारा बहुत साथी लोग का वाट लगा चुका है आप कुछ नहीं करेंगे तो ये अपन को भी खलास कर डालेगा महाराज हाँ मंद बुद्धि जब छाती फटती है तभी खैरात बढ़ती है ठीक है हम उस भूत को बिना मारे तुम्हारे प्राणों की रक्षा कर सकते हैं अरे धन्यवाद महाराज अरे आप तो ग्रेट है दयालु है दयावान है ग्रेट है महाराज 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 हम आपका ये उपकार जिंदगी भर नहीं भूल सकते महाराज महाराज ये लीजिए 101 रुपया आपकी दक्षिणा चाय पानी सब आ गया मंद बुद्धि हमें 101 रुपया देता है भिखारी समझ के रखा है हमको नहीं नहीं जान बचानी है तो चुपचाप 1,00,000 रुपया निकालो 1,00,000 महाराज आपने तो बैंड के साथ साथ हमारा बाजा भी बजा दिया शुक्र करो 1,00,000 रुपए में तुम्हारी जान बच रही है वरना दूसरा घर देखो नहीं नहीं महाराज नहीं महाराज आप नाराज ना हो ये लीजिए महाराज ये लीजिए 1,00,000 रुपए मंद बुद्धि तुम क्या लगता है हम धन के लोभी हैं नहीं 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 ये रुपया हमारी जेब में नहीं जाएगा भूतों पर प्रतिबंध लगाने के लिए पानी की तरह रुपया बहाना पड़ता है लेकिन महाराज ये तो बता डालो कि ये भूत का आप वाट कैसे लगाएगा हम हमारे गुरुदेव सामरी द्वारा मंत्र शक्ति प्राप्त की गई हुई कंठमाला तुम्हें पहनने के लिए देंगे जब तक ये कंठमाला तुम्हारे कंठ में रहेगी तब तक वो भूत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता महाराज महाराज तो तुरंत वो कंठमाला हमें दीजिए ना ले डालो महाराज अति सुंदरी मेरे पास आओ पहले तो मैं अति सुंदरी को वरमाला पहनाऊंगा वरमाला चमड़े की जुबान फिसल गई हमारा तात्पर्य था कंठमाला पहनाएंगे और कंठमाला हमारे कक्ष में है आओ सुंदरी कक्ष में चलते हैं आओ हमारे साथ आओ किधर जा रहे हैं एक कनु कनु ये तांत्रिक सोनिया को अपने कक्ष में क्यों ले गया कंठमाला पहनाने को ले गया लगता है बाप खाली कंठमाला ही पहनाएगा ना और तो कुछ नहीं करेगा अरे करेगा भी तो कर डालने देना अब उनको तो भूत से बचाएंगा ना ये लीजिए आप लोग ये मालाएं पहन माला पहन तो लेंगे लेकिन ये बता
आपके उस तांत्रिक के साथ इतनी देर तक कक्ष में तू क्या कर रही थी? कुछ भी तो नहीं। माँ कसम, माँ कसम, जैसे आप कभी कभी झूला झूला दिया करते हैं, वैसे ही उन्होंने भी झूला दिया। क्या? क्यों? आप ही तो कहते हैं कि झूला झूलने में कोई बुराई नहीं है। अरे मैं तो उस तांत्रिक के तुम मंद बुद्धि। कमाल, कमाल हो गया। कमाल, कमाल हो गया। हमारा चित्त प्रसन्न कर दिया अति सुंदरी ने। अब तुम्हारी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। जाओ, निश्चिंत होकर जाओ। वह दीपक का भूत तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। धन्य हो महाराज। शपथ गुरुदेव सामरी। ये क्यों खड़े ला इधर? अबे माला पहनी है ना तूने तो डर मत। चला डाल, चला डाल। अरे पांडे जी नहीं नहीं देख 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 जा 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 देख देख काला भूत का बच्चा हमारा बैंड बजाने चला था, अब उसका खुद का बैंड बज गया ना। अरे पांडे जी ये पूरा चमत्कार तो धुरंधर महाराज की है। माला जय हो महाराज, जय हो धुरंधर महाराज। चल 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 जय हो।
लेकिन कमाल हो गया है, गाड़ी से कुटलने के बाद भी दीपक का भूत साला मरेला नहीं है। लेकिन अपुन ऐसा बोलता है, वो लोलिता ने उसका क्या बिगाड़ेला था कि दीपक के भूत ने उसको भी टपका डाला। अबे अकल तो तेरी खत्म हो गई है कन्नू, भूल गया? अरे वो ललिता ही तो थी जिसने हमें महातांत्रिक धुरंधर महाराज की टिप दी थी बैंड बजा के। क्या बाप पांडे, तेरा रहस्य चल रहा है ना? और नहीं तो क्या, अरे सोनिया बैठे लिए तेरी बगल में। अरे पांडे क्या बताएगा बाप, ये दीपक के भूत ने तो अपन को विधवा बना डाले ला है। पहले उसने हनी को खलास कर डाला, बाद में लोलिता को खलास कर डाला। ए, एक बात बोलेगा क्या, क्या सोनिया को 50-50 शेयर करता है क्या अपन के साथ? माइंड योर लैंग्वेज कनो। अरे भड़कता काहे को बाप, अपन तो जस्ट मजाक कर लेता बाप, जानते हो जानते हो। आइंदा ऐसा मजाक भूल कर भी मत करना, वरना दोस्ती का बैंड बज जाएगा। याद रख, दोस्तों में रोटी तो बन सकती है मगर लंगोटी नहीं। आई एम सॉरी। इट्स ओके, और भूल कर भी अपने गले से वो माला मत उतारना, समझा? अपन को पागल कुत्ते ने काटे ला क्या जो अपन उतारेगा क्या? अब पांडे लगता कोई आयल है, अपन बाद में बात करते हैं। अरे रुक 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 रुक, कहीं दरवाजे पर वो भूत तो नहीं? तो अपन दरवाजा ही नहीं खोलेगा। अबे कन्नू यार बड़ा डरपोक है तू, अबे बिंदास दरवाजा खोल। जब तक तेरे गले में माला है तब तक तुझे डर किस बात का रे? वो ठीक है अपन खोलता है और अपन बाद में बात करते हैं क्या? जा बाप, शर्ट उतार के आ रहा है, बहुत गर्मी है। कौन है बाप? मधु जी, तुम और अपुन का रूम में? आओ आओ आओ। जी, मैं आपकी ये माला वापस लाई हूँ। क्या बात करता है, अपुन का माला तो अपुन का गले में बाप। नहीं, आप भूल रहे हैं, स्विमिंग पूल पर आपको नींद आ गई थी, उस वक्त एक बदसूरत सी औरत ने आपके गले से ये माला उतार कर झाड़ी में फेंक दी थी और मैं ये माला आपके लिए वापस लाई हूँ। क्या बात कर रहे हैं, ये अपन का माला नहीं है? लाओ लाओ, अपन को अपन का माला दे दो, ये माला तो अपन को जिंदगी से भी ज्यादा प्यारा है। आपकी ये माला बड़ी खूबसूरत है। अरे माला वाला छोड़ो, तुम क्या कम खूबसूरत है क्या है? क्या बोलता है, चलता है क्या? मधु, दीपक नहीं,
दीपक तुम अच्छी एक्टिंग कर लेती हो मधु और क्यों ना करो मशहूर एक्ट्रेस जो हो ये तुम कैसी बातें कर रहे हो विशाल लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से कन्नू भाई के कमरे में जिस हालत में तुम्हें देखा मैं शर्म से पानी पानी हो गया विशाल इतना घटिया इल्जाम मुझ पर मत लगाओ डोंट शाउट बेबी प्लीज आज के बाद हम दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे विशाल ये तुम क्या कह रहे हो विशाल सोनिया 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 होश में आओ होश में आओ सोनिया होश में आओ होश में आओ होश में आओ होश में आओ चलो बताओ बताओ इंस्पेक्टर विशाल को बताओ कि तुमने क्या देखा मैं जैसे ही यहाँ से गुजर रही थी मैंने मधु हीरोइन को कन्नू भाई के कमरे के अंदर खड़े देखा और जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा तो माँ कसम उसकी शक्ल दीपक के भूत में बदल गई मैं डर के मारे कन्नू भाई के कमरे में भागी और वहाँ देखा कन्नू भाई मुझे बचा लो वो मुझे मार डालेगा इसका मतलब है मैंने मधु पे बिना वजह शक किया वो कन्नू भाई के कमरे में गई नहीं सोनिया रिलैक्स रिलैक्स रो मत ओके ओके रो पांडे जी अरे क्या पांडे जी इंस्पेक्टर साहब आप सोच क्या रहे हैं ये जो भूत है उसे पकड़वाते क्यों नहीं आप ठीक कर रहे हैं पांडे जी हम पुलिस वालों को एक एंटी घोस स्क्वाड बनाना पड़ेगा तो बनाइए ना दूजा राम जी सर चलो लाश का मुआयना करते हैं चलो पांडे जी क्या वो देखिए समझ गया भूत ने पहले कन्नू की माला उतरवाई और उसके बाद उसका नहीं नहीं बैंड बजा दिया चलो 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 मधु मेरी गलतफहमी दूर हो चुकी है मुझे पता चल चुका है मधु मुझे पता चल चुका है कि कन्नू भाई के कमरे में तुम नहीं गई थी बल्कि वो दीपक का भूत था जिसने तुम्हारी आइडेंटिटी ले ली थी मधु क्या तुम्हारी अभी भी नाराजगी खत्म नहीं हुई मधु आखिर तुम जाओगी कहां That's none of your business. मधु प्लीज मेरी बात तो सुनो मधु शपथ गुरुदेव सामरी की हमें ज्ञात हो चुका है तुम क्या समस्या लेकर आए हो सोम रस अकेले पिता आश्चर्य महाराज आश्चर्य लेकिन महाराज हमने तो अभी तक आपको कुछ भी नहीं बताया पांडे तुम हमें अच्छी तरह से नहीं जानते ना हमारी शक्तियों को पहचानते हो हम पहले ही हमारे जादुई गोले में देख चुके हैं कि उस भूत ने तुम्हारे परम मित्र कन्नू भाई का स्वाहा कर दिया है
सच महाराज, सच महाराज, महाराज आप तो सचमुच अंतर्यामी हैं, लेकिन महाराज आप सिर्फ इतना बताइए कि हम दोनों उस भूत से कैसे बचे। महाराज उस भूत ने लड़की बनके कन्नू के गले से आपकी दी हुई माला उतारी और उसे मार डाला, और यही चाल चल के महाराज कहीं वो हम दोनों का भी बैंड ना बजा दे। ची पटाके भंपक के भौं, हम उस चतुर्भुत को दोबारा वार करने का अवसर नहीं देंगे। हम उसे उसी पुरानी कब्र में बंद कर देंगे जिसमें तुम लोगों ने उसे मारकर 20 साल पहले गाड़ दिया था। सोमरस परंतु एक समस्या है। समस्या? परंतु कैसी समस्या महाराज? उस भूत को बंदी बनाने के लिए हमें उसी पुरानी कब्र के पास बैठकर एक शैतानी क्रिया का छिल्ला चढ़ाना पड़ेगा, जिसके लिए पर्याप्त रूप में धनराशि की उपलब्धि अत्यंत अनिवार्य है। महाराज, महाराज आप उसकी चिंता नहीं करें, अपनी जाने बचाने के लिए मैं पर्याप्त धनराशि का प्रबंध कर सकता हूँ महाराज, यदि कम लगे ना तो और भी दे दूं। और मत दो, वो जितनी जल्दी हमें प्रसन्न करेगी उतनी ही जल्दी उस भूत को बंदी बनाने का कार्यक्रम हम प्रारंभ करेंगे। पांडे, तुम एक बहुत अच्छे मनुष्य हो, नारू इन्हें सोमरस का पान करवा दो। नहीं नहीं महाराज, जाने दीजिए, अब किसी रस में हमें रस नहीं रहा। बस सिर्फ एक बात बता दीजिए कि इस कार्यक्रम का श्री गणेश आप कब करेंगे? आज रात ठीक 12 बजे। आओ सुंदरी, आओ सुंदरी, आओ। जी पटाक डंपक की धूम। सामरी देवी, सामरी सामरी, ओम ईम ईम ओम या ओम ये हम आहम। ची पटाके भंपक के भों, ची पटाके भंपक के भों, स्वाहा ओम स्वाहा, भूतम भेदम माश्वरानी, ओम 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 स्वाहा, ओम स्वाहा, भूतम भेदम नश्वरानी, भूतम भेदम नश्वरानी। ये क्या महाराज? महाराज वो भूत तो अभी तक नहीं आया। पांडे, वो कोई साधारण प्रेत नहीं, उसे काबू में लाना बहुत ही मुश्किल काम है। हे गुरुवर्य, तेरा चेला है सवाली, तेरा वचन न जाए खाली, शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे, अहम स्वाहा ओम स्वाहा, भूतम प्रेतम माश्रोमी, गच्छामि ओम ओम स्वाहा, ओम सामरी देव, ओम सामरी सामरी देव, प्रसन्न हो, शपथ 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 शपथ, ले जा अपनी कब्र में आकर, वरना जलाकर खाक कर दूंगा तुझे। जय सामरी देव, जय सामरी देव, जय सामरी देव, जय सामरी देव। जय सामरी देव, आजा आजा अपनी कब्र में, आजा सामरी देव, ची पटा के भंपक के पों, आजा 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 अपनी कब्र में, आजा ले जा वरना जला कर खाक कर दूंगा तुझे। जय सामरी देव, शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे, ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा, आ जाओ अपनी कब्र में, आ जाओ चुपचाप चले आओ अपनी कब्र में, वरना जला कर खाक कर दूंगा तुझे। जय सामरी देव, शक्ति दे शक्ति दे शक्ति दे, ओम स्वाहा ओम स्वाहा, आओ आओ अपने आप कब्र में ले जाओ ले जाओ ले जाओ। ओम ओम जी पटा के भंपक के भो, हे सामरी देव प्रसन्न हो प्रसन्न हो प्रसन्न हो, हमें शक्ति दे, जी पटा के भंपक के भो, जी पटा के भंपक के भो, जी पटा के भंपक के भो, रे बंद करो उस कब्र को और उस पर खोपड़ी रख दो, बंदी बना उसे। पांडे मंदबुद्धि, तेरा बड़ा काम किया, कुछ इनाम तो दो। अवश्य अवश्य महाराज, ये लीजिए 50,000 रुपया और। अति सुंदरी, तुम क्या इनाम दोगे?
मेरे पास तो रुपए है नहीं महाराज। अरे मैं तुमसे पैसे कहाँ मांग रहा हूँ? पहले ये बताइए कि भूत कहीं दोबारा तो हमारा बैंड नहीं बजा देगा ना? मंद बुद्धि। जब तक ये खोपड़ी इस कब्र पर पड़ी रहेगी तब तक ये भूत बाहर नहीं निकल सकता। परंतु तुम्हारे गले में जो रुद्राक्ष की मालाएं हैं, इनमें से एक भी रुद्राक्ष इस कब्र को छूता है तो ये भूत बाहर निकल आएगा। ऐसा क्या महाराज, हम ये गलती कभी नहीं करेंगे, बल्कि अगर आप आज्ञा दें तो हम ये माला को कहीं छुपा दें। मुझे लगता है कि यही करना उचित रहेगा। शपथ गुरुदेव सामरी की। इन्होंने तो भूत का बैंड बजा दिया। चल अब माला निकाल, माला निकाल, क्योंकि अब इन मालाओं की भी बैंड बजा दी है। जय गुरु सामरी की, जय महामांत्रिक धनुर्धारी महाराज की जय हो। हो गया, चल चल, मुझे छोड़ के कहा जा रही है? इन लोगों ने उस तांत्रिक की मदद से दीपक के भूत को कब्र में बंद करवा दिया है, और ये रुद्राक्ष की माला उस कब्र पर गिरते ही भूत बाहर आ जाएगा। आय हाय हाय, मेरी छप्पन छुरी, देख के तुझको हो गई नियत बुरी। माय डियर, कब बुलाओगी नियर? मर जावा। स्प्लेंडेड, वाह, बहुत बढ़िया। ये आसमान क्यों दिख रहा है? वन मोर, कम ऑन, कम ऑन, यस, स्प्लेंडेड, सुपर, या, वन मोर, या, डार्लिंग, मेरी डार्लिंग, इस दूजे की भुर्जी, तुम अकेली सेक्सी पोजेस बनाते बनाते थक गई होगी। अब हम दोनों मिलकर सेक्सी पोज बनाते हैं, सेक्सी नोज बनाते हैं, नोज नहीं यार, सेक्सी पोज बनाते हैं। बैठो बैठो, यस, कुछ नहीं कुछ नहीं, छोड़ो यार, इस दूजाराम का सूजाराम हो गया है। तुम्हारी सेक्सी पोज की फोटो निकालते निकालते मेरी आंखों की निगेटिव एक्सपोज हो गई है डार्लिंग। बापरे, ये मेरे पिताजी का हाथ अटके। डार्लिंग, तुम यहां से फुटास की गोली लेकर वनटास हो जाओ, बाद में मिलते हैं। बाय बाय बाय। पट गई? पट गई कहा, किधर? नहीं तो शट अप, मैंने कहा पट गई? क्या बात कर रहे हैं सर? कौन वही जिसके तुम फोटो निकाल रहे थे? क्या बात कर रहे हैं सर, मैं तो पुलिस वाला हूं, फोटोग्राफर नहीं। अच्छा, ये पीछे क्या छुपा रखा है? किधर? कुछ नहीं, सामने लाओ। क्या? कैमरा सामने लाओ। चलो। हाँ, ये क्या है? ये क्या है सर? की फोटोग्राफी मेरा टाइम पास शौक है। आपके क्या क्या शौक है सर? मतलब आपका क्या शौक है सर? मुझे शौक है शायरी का, जैसे कि मुझे इश्क उस गुलबदन के साथ, बुलबुल को भी नहीं होगा शायद उस कुलसुम के साथ। तुमने मेरी शायरी सुनी और कोई तारीफ नहीं की? हाँ, क्या बात है? नहीं सर, कुछ नहीं, मुझे शेरो शायरी में कोई दिलचस्पी नहीं है। सर, सर बोल, बे कौन है तू? बोल। सर मैं आपका असिस्टेंट दुजाराम हूं सर। तू दुजाराम नहीं है, साफ साफ बता। ये आप क्या कर रहे हैं सर? मैं ही दुजाराम हूं। पहले मुझे शक था, अब यकीन में बदल गया है। साफ साफ बता कौन है तू? मैं दुजाराम हूं साहब, आपका दुजाराम लगता है मुझे सर। तू दुजाराम नहीं हो सकता। क्यों? दुजाराम को शायरी का शौक था। दुजाराम बाएं हाथ का इस्तेमाल करता था। कौन है तू? साहब मारना मत, मारना मत, बताता हूं सब कुछ, बताता साहब। मैं पहला राम, दुजाराम का जुड़वा भाई, हम शकल तीजा राम हूं। यह बहुत लंबी कहानी है साहब,
आओ आओ सोनिया डाली आओ। अब चलो बताओ बताओ के वो फोटो के नेगेटिव और डायरी वो खत उस तिकड़मी तीजे राम ने अपने पास रखे हैं या के बैंक में रख दिए हैं। माँ कसम पांडे जी मैंने तो तीजाराम से सब कुछ उगलवा लिया होगा, लेकिन वो इंस्पेक्टर विशाल, वो इंस्पेक्टर विशाल कबाब में हड्डी बनकर आ गया। इंस्पेक्टर विशाल गधे की औलाद स्वर का बच्चा। फिकर नॉट डार्लिंग, तीजाराम तो पूरी तरह मेरी मिट्टी में है, आज नहीं तो कल मैं उससे सब कुछ उगलवा लूंगी। चीयर्स। चीयर्स। क्या नाम था उस आदमी का जिसको आज से 20 साल पहले लॉटरी के टिकट के लिए उन चार आदमियों ने मार डाला था? कोई दीपक मल्होत्रा नाम का आदमी था। क्या पिताजी? दीपक मल्होत्रा। तीन आदमियों का कत्ल तो हो चुका है, अब चौथा पांडे बचा है। मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। पांडे! इंस्पेक्टर विशाल, ये क्या बदतमीजी है? अरे किसी शरीफ आदमी के साथ में क्या इस तरह से बात करते हैं? खुद को शरीफ करके शराफत को गाली मत दे पांडे। शरीफ आदमी किसी बेगुनाह का खून नहीं करते हैं। खून? अरे भाई किसका खून किया है मैंने? इंस्पेक्टर विशाल तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी का खून कर सकता हूं? मेरे बाप दीपक मल्होत्रा का खून किया था तूने, अपने तीन साथियों के साथ मिलकर आज से 22 साल पहले। याद है क्या? भूल गया? अच्छी तरह से याद है, क्योंकि तेरे बाप का भूत मेरे तीन साथियों का बैंड बजा चुका है, इसलिए अब तेरा बैंड मैं बजाऊंगा। कुत्ते! शपथ गुरुदेव सामरे की। उससे पहले मैं तुम्हारी बोटियां नचवा दूंगा। तूने मेरे मक्किल पांडे की चमड़ी उधेड़ दी, मुझे झूला झुलाने वाली सुंदरी को प्राणहीन कर दिया। अब देखना मैं तुम्हारी कैसी तो दशा करता हूं। भूतनाथ, क्या तुम हमेशा के लिए मेरे कैद से छुटकारा पाना चाहते हो? तो शीघ्र प्रस्थान करो और मेरे शत्रु का सर्वनाश करो। ये लो खोपड़ी, ये तुम्हें उस स्थान तक पहुंचने में सहायता करेगी। शपथ गुरुदेव सामरी की। बचाओ! अरे भूता जी तुम अब बजा दो इसकी बैंड। तेरी तो जय गुरुदेव सामरी की। जय गुरुदेव सामरी। Oh!
विशाल को बचा लो। इस भूत से? ये भूत तो मुझे भी मार डालेगा। कुछ तो करो रवि, वरना विशाल मर जाएगा। इस भूत को सिर्फ वो भूत खत्म कर सकता है। वो कौन है? वो भूत विशाल के पिता दीपक का भूत है। तो फिर वो बाहर क्यों नहीं निकलता? पांडे ने उसे एक तांत्रिक की मदद से उस कब्र में कैद कर रखा है, लेकिन भूत को सिर्फ मैं बाहर निकाल सकता हूं। तो प्लीज निकालो ना उसे जल्दी बाहर। उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। शर्त? क्या शर्त है तुम्हारी? तुम्हें वादा करना पड़ेगा कि तुम शादी करोगी तो सिर्फ मुझसे करोगे, सिर्फ मुझसे। मुझे मंजूर है रवि, मुझे मंजूर है। अय्या, दीपक आगे नहीं आना, नहीं 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 आगे नहीं आना, आगे नहीं 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 दीपक दीपक नहीं, बचाओ बचाओ बचाओ। नहीं नहीं दीपक नहीं। नहीं दीपक दीपक नहीं दीपक ले, 50 लाख ले ले दीपक, रिपेयर भी छोड़ दे बेटा। Yeah.
अच्छा तो तूने कब्र से बाहर आकर अपना बदला ले ही लिया, लेकिन अब तू मेरे प्रकोप से नहीं बच सकता। जय साम्रदेव, साम्रदेव हमें शक्ति दे, जय साम्रदेव, साम्रदेव हमें शक्ति दे, जय साम्रदेव हमें शक्ति दे, शक्ति दे साम्रदेव। ओम नमः यस्मिन् वाशिनी नमः इन्द्रायन आशिनी नमः। जय साम्रदेव, साम्रदेव हमें शक्ति दे, शक्ति दे हमें शक्ति दे, साम्रदेव हमें शक्ति दे। Come now, no one on you, Lamar. जय गुरुदेव साम्री की। विशाल विशाल विशाल, मैं तुम्हारा बदला, मैं तुम्हारा बदला दीपक मल्होत्रा, दीपक मल्होत्रा। पांडे और उसके साथियों ने मिले सपाइयों ने मिले सपाइये मौत मारे, मौत और उनसे बदला लेने के लिए, बदला लेने के लिए इस रूप में आना, इस रूप में आना पड़ा। आज मुझे मुक्ति मिल रही, मुक्ति मिल रही। मैं जा रहा हूँ विशाल, जा रहा हूँ विशाल, जा रहा हूँ विशाल। तुम अपनी माँ का, तुम अपनी माँ का ख्याल रखना। मैं जा रहा हूँ विशाल, जा रहा हूँ विशाल। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। पिताजी, स्वामी, नहीं, स्वामी। पिताजी, पिताजी।